सावधान, भारत के हालात श्रीलंका जैसे होना तय। देश में भारी कोयला और बिजली संकट। भीषण गर्मी के बीच 16 राज्यों में 2 से 10 घंटे बिजली कटौती। कोयला संकट के चलते 1/4 बिजली प्लांट्स बंद। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनित आवाज। देश भर में भीषण गर्मी का माहौल है। देश की राजधानी दिल्ली का पारा भी आज शुक्रवार दोपहर को 43 डिग्री के पार पहुंच गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में और भी भीषण गर्मी का अनुमान है। ऐसी परिस्थिति में फिर चाहे शहर हो या गांव, बिजली की खपत बढ़ना स्वाभाविक है। आपको बता दें, देश भर में कोयले का संकट गहरा गया है और ऐसे में भीषण गर्मी के बीच 16 राज्यों में 2 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी देश भर के अलग अलग जोन में 42 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की हैं, ताकि उनकी जगह मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएं और बिजली उत्पादन संयंत्रों तक कोयले की आपूर्ति जल्द से जल्द की जा सके। देश भर के कई बिजली प्लांट्स के पास जरूरी 21 दिन से भी कम कोयला भंडार बचा है। कुछ जगहों पर तो 1 दिन का ही कोयला स्टॉक बचा है। विशेषज्ञों की माने तो कोयले की कमी के चलते दिल्ली में भी हो सकती है बत्ती गुल। मेट्रो अस्पतालों की बिजली आपूर्ति पर भी संकट छाया हुआ है। अब आप सोचिए, जब देश की राजधानी में भी बिजली में कटौती हो सकती है तो इस देश के दूर दराज के गांवों का क्या हाल होने वाला है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यकीनन देश की आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा, इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ देश की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये विभिन्न सरकारें अब तक क्या कर रही थीं? क्या देश में गर्मियों का सीजन भी ये पहली बार आया है जो सरकार इस हालात से अनजान रही? आपको याद होगा, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका कैसे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ खाने पीने से लेकर जरूरत की हर वस्तुओं पर भी कई गुना दाम बढ़ गया है। वहाँ के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। साथियों, आपको बता दें, यह कोयला संकट कोई एकाएक नहीं आया। जब हमने कोयले की कमी का असली कारण जानने की कोशिश की तो इंटरनेट पर हमें द क्विंट की एक खबर मिली जो उसकी वेबसाइट पर 8 अक्टूबर 2021 को छपी है, जिसमें लिखा है कि भारत का पावर सेक्टर एक बड़े संकट से गुजर रहा है, क्योंकि इसके कोयले से चलने वाले पावर प्लांट, जो कि भारत की 70% बिजली पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, कोयले के भंडार की कमी का सामना कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA के आंकड़ों के मुताबिक देश के 135 कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में से आधे से ज्यादा के पास सितंबर के आखिर में औसतन 4 दिनों से कम कोयले का ही स्टॉक बचा था। कोयले के भंडारण में कमी के पीछे का असली कारण क्या है? द क्विंट के अनुसार भारत में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स द्वारा उत्पन्न 70% बिजली में से लगभग 3/4 घरेलू खनन कोयले का उपयोग करके उत्पन्न होती है, जबकि बाकी बची 1/4 ऊर्जा आयात किए हुए कोयले का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। जैसे जैसे दुनिया के बाकी हिस्सों में अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, कोयले जैसे बिजली उत्पादन ईंधन के आयात की मांग बढ़ गई है। मांग में इस वृद्धि के कारण कोयले के वैश्विक मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। साथियों, आपको एक बार पुनः बता दूं, यह खबर द क्विंट में छपी है जो कि अक्टूबर 2021 की है। देश भर में कोयला संकट का असली कारण कहीं सरकार की गलत नीतियां तो नहीं है? ये कोयला संकट किस तरफ इशारा कर रहा है? जिस तरह से भारत में भी महंगाई चरम सीमा पर है, कहीं भारत भी श्रीलंका नेपाल जैसे खराब आर्थिक स्थितियों का सामना तो नहीं करने वाला है? यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी सरकार हो वो अपनी नाकामियों को जहां तक होगा छुपाने की कोशिश करती है। और देश में जिस तरह फिजूल की बातों को मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जा रहा है,
यह सरकार का कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? आपको क्या लगता है? आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।